लव और धोखा जैसी बात अधिकतर फिल्मों या उपन्यास में ही देखी व पढ़ी जाती थी, लेकिन अब ये चलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा है। पहले शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, वहीं कुछ लालची इसे 7 माह में ही तोड़ दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के पीरपुर गांव में देखने को मिला। उक्त गांव निवासी युवक अमित पाल ने नाना के घर रह रही एक मासूम बालिका को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। अमित के प्यार और प्रलोभन के चक्कर में फंसी बालिका ने अपने अच्छे बुरे का ख्याल न रखते हुए युवक के साथ मुंबई चली गई। बड़े शहरों की चकाचौंध में खोकर अमित ने मासूम को मुंबई में ही छोड़ दिया और कहीं भाग निकला। प्रेमी के भाग जाने की जानकारी होने पर बालिका किसी तरह अपने घर आई और परिजनों को आप बीती बताई। बेटी के साथ हुए इस तरह की घटना से सदमे में आए परिजनों ने किसी तरह अमित के घर आए और सामाजिक दबाव बनाया। दबाव में आकर अमित ने बालिका से शादी तो कर ली और अपनी विवाहित को लेकर दिल्ली चला गया। धोखेबाज अमित ने फिर नवविवाहिता को दिल्ली में छोड़कर कहीं बाहर भाग गया। अपने साथ दूसरी बार हुई घटना से आहत युवती किसी तरह घर आई और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मैं जब अपने ननिहाल में थी, मेरे से इसे प्यार का संबंध हो गया, ठीक है सर। उसके बाद वो मेरे से जबरी शादी करने का कोशिश किया। मैं बोली मैं शादी अभी नहीं करूँगी, मेरे घर वाले की इच्छा रहेगा तभी मैं शादी करूँगी। बोला मैं तेरे लिए जहर खा के मर जाऊँगा अगर तू मेरे साथ नहीं करोगी, ठीक है सर। तो मैं उसका कहा मान लिया। उसके वो अपने माँ बाप से बोला, उसके माँ बाप ने राजी नहीं हो रहा था। बोला मैं तेरे को लेके भाग जाऊँगा, मैं रहूँगा नहीं, अपने माँ बाप को भी छोड़ दूँगा, ठीक है सर। तो वो मेरे को लेके बम्बई निकल गया। बम्बई गया, 2-4 दिन था वहाँ लेके। तब वो अपने मामू माँ के फूफा के लड़के के साथ यहाँ घर वाले पता पाए, जब वो फ़ोन करके बताया कि मैं इसे शादी करूँगा फिर दोबारा। उसके बाद वहाँ से उसको भगवा दिए, बोले इसलिए चलो मार्केट कराएंगे। मार्केट के बहाने उसको लड़के को हटवा दिया, ट्रेन में मेरे को छोड़ दिए अकेले। फिर मैं ट्रेन में छूट गई, फिर मैं उसके घर मकान पे गई जहाँ वो रहता था पहले बम्बई में। वहाँ गई, वहाँ से फिर मैं आई वापस इसके घर। तो इसके घर मेरे माँ बाप ने जा रहे थे FIR करने, मुकदमा करने। इसके माँ बाप ने मेरे पैर पे, मेरे माँ बाप के पैर पे गिर के बोले कि मैं, मेरी जात बिरादर है, मेरी सब कुछ है, मैं अपना बहू मान के इसका शादी करके ले जा रहा हूँ, मैं अपने घर पे रखूँगा, ये भी मेरी बेटी है, ये भी मेरा बेटा है। तो ऐसा किए हैं, उसके बाद शादी करके रखे हैं। 1.5-2 साल मैं उनके घर में थी सर, मेरे पेट में 2-2 बच्चे थे। ये सब मेरे को बुखार के बहाना, मेरे को जब बुखार होता था मेरे को उस बच्चे की दवा ले अलग खिला देते थे। एक बार नहीं 2 बार किए थे ऐसा, सारा मेरे पास पूरा प्रूफ है। उसके बाद तब वो मेरे को 2 महीना फिर बीत गया लड़का, फिर जो दोबारा मेरा खलास हुआ था, बीत गया 2 महीना। उसके बाद मेरे को भेज दिया दिल्ली, बोले कि डेली झगड़ा लड़ाई करते थे, बोले थे तुम लेके जाओ अपना परिवार, मैं नहीं खर्चा दे पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ले जाओ कमा खिया। हम नहीं जाते थे, फिर भी बोले, उनका लड़का बोला कि उसके माँ बाप बोले क्या मेरा लड़का मर जाएगा तब तू जाएगी मेरे लड़के के साथ। मैं बोला ठीक है, जब वो ऐसा करा तो मैं चले जा रहा हूँ। तो उसके घर वाले ने भेज दिए, एक बगल चाचा लगते थे उनके साथ, बोले कि ले जाके स्टेशन पे ट्रेन पकड़ा दो। तो मेरे को ट्रेन पकड़ा दिए, हम दोनों लोग दिल्ली गए। 4-5-6 महीने लगातार थे दोनों लोग साथ में वहाँ। तो लॉकडाउन लग गया था, काम नहीं चल रहा था उसका भी, तो उसका फिर काम चलने लगा। तो बोला फिर वहाँ भी काम चालू हो गया, वो बोला तुम काम पर कहीं लग जाओ। तो मेरे को काम ढूंढ के काम पे लगाया। मैं सिर्फ 2 दिन काम पे गई थी, तीसरे दिन वो वहाँ से बोला मैं आज काम पे नहीं जाऊँगा। मैं बोला ठीक है तुम मत जा, मैं जा रही हूँ। बोला तू चली जा, आना जल्दी। बोला ठीक है। उसके बाद काम पे मैं चली गई, 12-1 बजे एक काम करता था आदमी, उसके मोबाइल से मांग के बात किया और उसे यहाँ भी कह के गया और सुन रहा था अपने कान से कि मैं अपने माँ बाप से बात कर लिया, ठीक है तुम आ जाओ, मैं निकल रहा हूँ रूम से। और एक सेट कपड़ा लिया, अपना आधार कार्ड मार्कशीट लिया, अपना मतलब सामान लिया और लेके वहाँ से निकल गया 11-11:30 बजे के बीच में। सब वो सब पूछ रहे थे तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, काम पे गई है। बोला मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ, अभी घूम के आ रहा हूँ। सर मैं 1-2 दिन वेट किया, मैं वहाँ रो रो के अकेले भटक रही थी। तो मेरा मकान मालिक ने बोला तू यहाँ कितना दिन रहेगी, तू मर जाएगी यहाँ से, तू घर अपने चले, अपने ससुराल चले जा। मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं था और जितना पैसा था सब लेके वहाँ से फरार हो गया था। और इसके माँ बाप, इसके भाई डेली बात उससे करते थे और मेरे से बात कभी नहीं करते थे। बोल जब मैं बात करती थी बोले तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। अपने बेटे से कन्फ्रेंस फ़ोन पे बात करते थे डेली, उसका बेटा, उसका भाई, उसका बहन सब उससे बात करते थे। दूसरे के मोबाइल से बात कर करके नंबर डिलीट कर देते थे।
सर मेरे को ये सब नहीं पता था, लेकिन मैं जब कोई कोई मेरे को बताता था तुम्हारा आदमी ऐसे ऐसे बात कर रहा है, मैं तभी नहीं यकीन करती थी। मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, माँ बाप हैं सब बात करता है। सर ऐसे बात करते करते उस दिन जब वो चला गया तो मैं फिर अपने ससुराल वाले को पास फोन लगाई, मेरे ससुराल वाले ने मेरे को क्या उल्टा बोल रहे हैं कि तुम जानो मैं नहीं जानता हूँ। ये कि 2018 में हमारी लड़की जो है उन्होंने लेके भाग गया था, ननिहाल रहती थी तो वहाँ से लेके भाग गया था, इसके बाद बम्बई गया तो बम्बई छोड़ दिया, तो हमारी लड़की फिर वापस आई बम्बई से। वापस आने के बाद हमें थाने में जो है हम दरख्वास्त डालें, दरख्वास्त डालने के बाद दरोगा दबिश डालें, तब उसको बुलवाए, हम FIR करने जा रहे थे। जब FIR करने जा रहे थे तो फिर वो लोग आए, वो लोग आने के बाद तब उन्होंने बहुत हाथ गोड़ जोड़ा, चार पंच के बीच में समझौता, वो अपना नात बात ले करके आए और कहें कि हम शादी कर ले रहे हैं, हमारे घर रहेगी, FIR मत करिए। इसके बाद उन्होंने 1.5 साल तक अपने घर पे रखा, और रखने के बाद वो जो है फिर इसके बाद जो है वो नौ महीना बाद उन्होंने दिल्ली भेज दिया। वहाँ दिल्ली भेजने के बाद जो है हमारी लड़की को उसका लड़का छोड़ के भाग गया। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।